कक्षा 10 एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा प्रश्न है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे एक्सरसाइज में और भी कई प्रश्न हैं और ये एग्जाम्स में आते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो आपको जरूर समझ आएगा। प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है जहां क्यू एक पूर्णांक है। देखिए, धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाले, पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस वाले इंटीजर्स, +2, +3, +4 ऐसे। विषम मतलब जो दो के पहाड़े में ना आते हों। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा उसे हम 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में लिख सकते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले मैंने माना कि मान लो 6A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जो पॉजिटिव है और दो के पहाड़े में नहीं आता, और यहां पर बी है 6। यदि ए को बी से भाग किया जाए, यानी ए को 6 से भाग किया जाए, तो कभी भी बच्चे आप देखेंगे किसी भी नंबर को 6 से भाग किया जाएगा तो उसके जो शेष आएंगे, जो बाकी बच सकता है, वो क्या बच सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 या 5, यही शेष आ सकते हैं। यदि किसी भी नंबर को 6 से भाग करेंगे तो या 0 शेष बचेगा, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5 शेष बचेगा। इसका मतलब क्यों? क्योंकि जो शेषफल प्रमेय है उसके हिसाब से जो शेषफल है वो हमेशा बी से, यानी भाजक से छोटा होता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। यदि ए एक विषम संख्या है और इसे 6 से भाग करने पर भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी, तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की थी जो कहती थी a बराबर होता है bq+rk, है ना? यही किया था ना हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, कि a बराबर bq+r। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए आप मेरा अलग से वीडियो देख सकते हो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से a बराबर b है 6, r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जब r 0 होगा तो a बन जाएगा 6q, r 1 होगा तो a बन जाएगा 6q+1, r 2 होगा तो a बन जाएगा 6q+2, r 3 होगा तो a बन जाएगा 6q+3, 4 होगा तो 6q+4, और r यदि 5 होगा तो 6q+5। इस प्रकार से a जो है ये 6 अलग अलग रकमे के बराबर हो सकता है। हमें छांटनी है इसमें से विषम संख्याएं। तो देखो, 6 को किसी नंबर से गुना करेंगे तो ये सम आ जाएगा, 6Q को 6 को किसी नंबर से गुना करेंगे और उसमें 2 प्लस करेंगे ये भी सम आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 को किसी नंबर से गुना करके और एक सम संख्या 4 प्लस करेंगे तो ये भी सम आ जाएगा। हमें चाहिए प्रश्न के हिसाब से, देखिए हमें प्रश्न के हिसाब से कौन सी संख्याएं चाहिए? विषम। तो ये जो सम थी, हमें चाहिए विषम, तो ये है एक विषम, 6Q किसी नंबर को 6 से गुना किया उसमें 1 प्लस किया, ऐसे ही ये है विषम 6Q+3, और ऐसे ही ये है विषम 6Q+5। तो हमें विषम संख्याएं चाहिए थी, तो ये विषम जो है ये मैंने अलग से लिख दी है, a बराबर 6Q+1, 6Q+3 और 6Q+5। यही तो हमें सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। तो हमने लिखा विषम संख्याएं a बराबर है 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5। तो यहां हमने लिख दिया, अतः सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। इसको याद नहीं करना, ये एज इट इज मैंने प्रश्न में से लिखा है, की के बाद कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, दर्शाइए की जगह आ गया, सिद्ध हुआ कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1, 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है।